हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डेली एमपीपीएससी एमसीक्यू पार्ट नंबर 27 प्रेजेंटेड बाय मी आदित्य दुबे। इन दिस लेसन वी विल लुक फॉरवर्ड टू सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पर्टेनिंग टू एग्जामिनेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ट्राई की स्थापना कब हुई, ट्राई फाउंडेड ऑन विच ईयर। तो ट्राई का फुल फॉर्म आपको पहली बात तो मालूम होना चाहिए। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1997। अगर स्पेसिफिकली डेट अगर आपसे पूछा जाए तो इट इज 20th of February 1997। अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि ट्राई अभी हाल ही में न्यूज में रहा और ट्राई के जो चेयरमैन हैं जिनका नाम है मिस्टर आर एस शर्मा, वो काफी ज्यादा न्यूज में रहे क्योंकि उन्होंने ट्विटर में पब्लिकली अपना आधार कार्ड नंबर पोस्ट कर दिया, मींस ट्वीट कर दिया, और उन्होंने चैलेंज किया कि कौन इसको हैक कर सकता है और इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिट्रीव की जा सकती है। तो एक एंडरसन नाम के एक हैंडल से किसी एक हैकर ने उनका अकाउंट पूरा हैक किया और पूरी डिटेल्स उनकी पब्लिकली पोस्ट कर दी। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, इसलिए आपको हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्राई के चेयरमैन कौन है या ट्राई की स्थापना कब हुई। तो ट्राई के चेयरमैन का नाम है मिस्टर आर एस शर्मा, और अगर ट्राई की स्थापना की बात की जाए तो इट इज 1997 और स्पेसिफिकली 20th of February। अब ट्राई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ट्राई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आर एस शर्मा जी ने तो आधार कार्ड पोस्ट किया था, तो आधार कार्ड के बारे में भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आधार जो कार्ड होता है वो कितने डिजिट का होता है, मीन्स आधार जो नंबर होता है हमारा उसकी डिजिट्स कितनी है, तो वो आप याद रखिएगा, इट कंप्राइजेज ऑफ 12 डिजिट्स। ओके, और ये इशू कौन करता है, तो ये इशू करता है UIDAI, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, UIDAI इशू करता है हमारा आधार नंबर। अब UIDAI का फुल फॉर्म क्या है ये भी आप याद रखिए, तो UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ UIDAI। अगला क्वेश्चन है कि एथिक्स का पालन करने के लिए और हाई इंटेग्रिटी स्टैंडर्ड सेट करने के लिए इंडियन रेलवे ने एक मिशन ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम क्या है, टू अधेयर गुड एथिक्स टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ वर्क इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइज मिशन कॉल्ड एस। तो इंडियन रेलवे ने इस मिशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिशन सत्य निष्ठा, जो कि रिसेंटली जो रेलवे मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल जी हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा मिशन सत्यनिष्ठा वाज इनिशिएटेड बाय इंडियन रेलवे एंड इट पर्टेन्स टू एथिक्स, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और अगर पीयूष गोयल जी की बात आई है तो इनको एक एडिशनल चार्ज भी मिला है फाइनेंस डिपार्टमेंट का। ओके, मीन्स फाइनेंस मिनिस्ट्री का इनको एडिशनल चार्ज मिला है, तो ही इज़ द एडिशनल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज वेल एज द करेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 का किन दो भारतीयों को दिया गया इस साल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये जो दिया गया है ये दो लोगों को दिया गया है जो कि हैं भारत वातवानी जी और मिस्टर सोनम वांगचुक जी, जो कि काफी ज्यादा फेमस हैं, और इन दोनों को मिला है रमन मैग्सेसे अवार्ड। अब रमन मैग्सेसे को किस अवार्ड के नाम से जाना जाता है ये भी आप याद रखिएगा, रमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल प्राइज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, और सबसे पहले इंडियन कौन है जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, तो ये भी आप याद रखिएगा, ही इज नन अदर देन आचार्य विनोबा भावे, मीन्स आचार्य विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ रमन मैग्सेसे अवार्ड। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2018 का किसको मिला, तो वो मिला है भारत वातवानी जी को और सोनम वांगचु जी को। ओके, अब बात करते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड किन की याद पे दिया जाता है, तो ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे जिनका नाम था रमन मैग्सेसे। ओके, तो उनकी याद में ये अवार्ड शुरू किया गया। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का पहला एडवेंचर नेक्स्ट 2018 कहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एमपी करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से कि एशिया का पहला एडवेंचर नेक्स्ट 2018 कहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा नंबर ऑप्शन बी, दैट इज भोपाल। भोपाल में, हमारे भोपाल में एशिया नेक्स्ट 2018 ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये इवेंट जो है ये पर्यटन से रिलेटेड है, मीन्स टूरिज्म से रिलेटेड है, और इसकी जो वर्कशॉप है उसका उद्घाटन किसने किया था, तो ये याद रखिएगा इसका उद्घाटन किया था स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर जो हमारे एमपी के हैं, मिस्टर सुरेंद्र पटवा जी। ओके, सुरेंद्र पटवा जी ने, जो कि हमारे स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा वर्कशॉप का इसका ऑर्गेनाइज या इनॉग्रेशन किया गया जिसका नाम था एडवेंचर नेक्स्ट 2018, और ये भोपाल में ऑर्गेनाइज की जाएगी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर 2018 नाम से
किसको अवार्ड दिया गया, ओके, ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर 2018 कॉन्फर्ड टू हुम, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ईश्वर शर्मा। ईश्वर शर्मा जी को दिया गया है ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड। अब बात करते हैं इनकी एज की, तो ये मात्र 8 साल के हैं और इनका संबंध आपसे पूछा जा सकता है किस फील्ड से, तो ये है इनका संबंध योगा से, ओके। और आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इस साल योगा डे सेलिब्रेट किया गया था इंडिया में, तो इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या थी, यदि आपको मालूम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको कमेंट करना है, ओके। सो ये था हमारा वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको कोई और सजेशन या डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स। टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/AdityaDubeMBPSC, या आप मुझसे फेसबुक या ट्विटर में भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक की लिंक है facebook.com/AdityaDubeMBPSC और ट्विटर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं twitter.com/CyberAditya। आई होप यू आर डूइंग वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक, बाय बाय।